कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में एक मुकदमा थाना चौपन में पंजीकृत किया गया था, मुकदमा अपराध संख्या 238/18 धारा 302 में, जिसमें दो लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात लोग थे। और घटनास्थल से एक अभियुक्त जो शूटआउट में शामिल था, कश्मीर कुमार पासवान उस रॉकेट, इनको मई कार्बाइन और लाइव राउंड के साथ थानाध्यक्ष चौपन ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के अनावरण के लिए हमारे स्तर से इसमें 3-4 टीमों का गठन किया गया था और कुछ चुनिंदा थानाध्यक्ष, स्वॉट प्रभारी, सर्विलांस टीम, अभिसूचना इकाई, ये सभी की टीम बना के फिर इनको जगह जगह पर रवाना किया गया था। और क्योंकि उसी टाइम हमने ये बताया था कि घटना के तार जो है झारखंड और बिहार से जुड़े हुए हैं, इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें कुल 13 अभियुक्तों को इसमें चिन्हित किया गया है और इसमें से 5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें कश्मीर पासवान है, रवि गुप्ता पुत्र मुन्नालाल है, पवन चौहान पुत्र वीरेंद्र कुमार है, कृष्णा सिंह पुत्र स्व मान सिंह है और धर्मेंद्र कुमार पुत्र रमेश कश्यप। बाकी जो 3 टोटल 4 शूटर इसमें शामिल थे, 1 शूटर गिरफ्तार है, 3 शूटर फरार है, उन पर हमने रिवॉर्ड घोषित कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें जो है लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए हमने बिहार और झारखंड के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक है पलामू और औरंगाबाद के, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और हम बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का जो मोटिव है तो मुख्यतः इसमें 2 बातें उभर कर सामने आई है। एक तो मृतक जो चेयरमैन थे वो काफ़ी समय से खनन व्यवसाय में ये सम्मिलित थे जनपद सोनभद्र में, और जो 2 नामजद अभियुक्त हैं राकेश जायसवाल और रवि जलान, तो इसमें 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है और दूसरा जो है वो आपसी रंजिश, महिलाओं से संबंध के चलते आपसी रंजिश, ये 2 मुख्य बिंदु है जिसके कारण ये घटना कारित की गई है। प्रथम जो बिंदु है व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, तो राकेश जायसवाल और रवि जलान जो है वो इनके बिजनेस पार्टनर कभी रहे थे, फिर इनमें आपसी मतभेद हुए, अलग हो गए। वर्तमान में जो ई टेंडर हुआ था उसमें इम्तियाज अहमद ग्रुप को सारे टेंडर मिल गए, जिसके खिलाफ दूसरी जो पार्टी है राकेश जायसवाल और रवि जलान, इन्होंने कोर्ट में PIL भी दाखिल करी थी लेकिन कोर्ट से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। इन सारे घटनाक्रम में पहले भी इन लोगों में आपसी मतभेद हुए थे, कुछ जमीन को लेकर भी उनमें विवाद हुआ था, तो अल्टीमेटली इन लोगों को फिर ये लगा कि इनका बहुत व्यावसायिक नुकसान हो रहा है और उनका जो मुख्य बिजनेस है माइनिंग का, उसमें उनको टेंडर नहीं मिल पाया, तो एक ये मुख्य वजह रही जिसके लिए इनके द्वारा, राकेश जायसवाल और रवि जलान द्वारा, ये संपूर्ण षड्यंत्र की रचना की गई है। और इसमें इनके जो AEDs थे, बाकी जो लोग थे, इनको इन लोगों के द्वारा शामिल किया गया और इसमें 7-8 लोगों ने मिलके ये पूरे जो घटनाक्रम है उसको कोलकाता में एक फ्लैट में बैठ के इन्होंने पूरा डिजाइन किया। रिंकू भारद्वाज उर्फ चंद्रप्रकाश पुत्र चंद्रशेखर राजभर, ये कुछ समय पहले ओबरा में ये रहते थे और इनकी और इम्तियाज के कुछ समर्थकों की एक महिला से अवैध संबंध के चलते झड़प हुई थी और उसमें रिंकू भारद्वाज को मारा पिटा गया था, उसको अपमानित किया गया था। तब से रिंकू भारद्वाज जो है वो यहाँ से जनपद से चले गए थे और उनके द्वारा ये मैसेज भी दिया गया था कि इसमें वो अपने उनका जो अपमान किया गया उसका बदला लेंगे। एक ये एंगल उसमें उभर के आया है और रिंकू भारद्वाज की इसमें बहुत ही महती भूमिका है।